केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कपलिंग रिएक्शन, जिसको हम डाइजो कपलिंग भी कहते हैं। वैसे तो कपलिंग रिएक्शन का मीन्स होता है कोई भी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाएं, उन सबको कपलिंग कहते हैं। जैसे बूट्स रिएक्शन, अलमान रिएक्शन, ठीक है ना, और बहुत सारी रिएक्शनों को कपलिंग रिएक्शंस में इंक्लूड किया जाता है। पर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी डाइजो कपलिंग, जो डाइजोटाइजेशन से होती है, और इस रिएक्शन को हम बोनस रिएक्शन भी कहते हैं। डाइजो कपलिंग रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें डायोजिनियम क्लोराइड, जो कार्बो जो एनायन बनाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, वो जाकर बेंजीन डेरिवेटिव जिसमें एक डोनर ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है ना, उससे जुड़कर रिएक्ट करके एजोडाई बनाता है और एजोडाई कलर देता है। अब पहला क्वेश्चन ये आया कि कलर के लिए क्या जरूरी है। कलर के लिए जरूरी है अनसेचुरेटेड ग्रुप। अगर किसी में अनसेचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में मोस्टली, तो वो एरोमेटिक, वो कंपाउंड कलर दिखाएगा, ठीक है ना। और अगर उसमें सैचुरेटेड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो उससे कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अकेला सैचुरेटेड कोई डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिर रंग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम अनसैचुरेटेड ग्रुप को क्रोमोफोर कहते हैं, और जबकि सैचुरेटेड ग्रुप को हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम का मीन्स होता है जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा दे। इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं। अब 12th क्लास के लिए क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो हो गई होगा कि फिनॉल और एनिलीन दोनों में आप देख सकते हैं कोई पाई बॉन्ड नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, तो दोनों ही कलर नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब हमको लैब में एनिलीन और फिनॉल मिलती हैं तो दोनों ही पिंक और ब्राउन मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो क्या होता है कि जब हम फिनॉल और एनिलीन को एयर में खुला छोड़ देते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इनके ऑक्सीडेशन से बेंजोक्विनोन और फिनोक्विनोन बन जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर पिंक और ब्राउनिश हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में और जेई में आ चुके हैं कि इम्प्योर एनिलीन और इम्प्योर फिनॉल कलर क्या होते हैं। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन कलरफुल होगी। यस, क्यों होगी? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। ऐसे ही हम देख सकते हैं क्या एजो कंपाउंड होंगे। यस, इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो एक्साइटेड हो जाता है और ऑक्सोक्रोम का काम करता है। तो एजो कंपाउंड कलर दिखाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड कलर दिखाएंगे, और बेंजो कंपाउंड भी, बेंजो का मतलब ये जिसमें भी होगा वो कलर दिखाएगा। तो हमने यहां पर सीखा अगर अनसेचुरेटेड ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो कलर्ड कंपाउंड होगा, और अगर उसमें कोई डोनर ग्रुप जुड़ा होगा तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब बच्चों देखते हैं कपलिंग रिएक्शन होती कैसे। जब हम इस डायोजिनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो डायोजिनियम क्लोराइड में जैसे ही N2Cl में से Cl हटेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर से फिनॉल में इस पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को जैसे ही हम हटाएंगे, हटाते ही इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। रिंग पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो डायोजिनियम क्लोराइड का जो डाइजो कार्बो, जो डाइजोनियम आयन बना है, वो जाकर इस पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और कपलिंग हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ बच्चों हमें करना क्या है, Cl हटाओ, पैरा से हाइड्रोजन को हटाओ और दोनों को जोड़ दो। अब ये रिएक्शन pH 8 से 10 के बीच में होती है। यह इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों के फिनॉल की सारी ही रिएक्शन 8 से 10 के बीच में होती हैं। तो कोई पूछेगा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम फिनॉल को फिनॉल में बेस डालेंगे, बेस डालते ही इसका फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन बनते ही वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर बन जाएगा। अब हम चलते हैं एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन।
जब हम एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन करेंगे तो N2Cl में से Cl हट जाएगा और यह पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन को लेकर HCl बनकर निकल जाएगा और बाकी दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, एनिलीन की सारी ही रिएक्शन या एमीन की सारी ही रिएक्शन 4-5 pH के बीच में होती हैं। अगर pH इससे कम या ज्यादा हुई तो एनिलीन या कोई भी एमीन कंपाउंड मोस्टली रिएक्ट नहीं करता है, तो हमें एनिलीन के साथ भी एक एजो कंपाउंड बन गया, इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन डाइएजो बेंजीन, और ऊपर वाले का नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन, और दोनों ही कलर दिखाएंगे। हम चलते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ, कपलिंग की थर्ड रिएक्शन। जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं और इसके पैरा पोजीशन पर आप देख सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी हम समझते हैं, ये Cl और ये हाइड्रोजन आपस में निकल जाएंगे और दोनों कंपाउंड आपस में जुड़कर ये कंपाउंड बनाएंगे और जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। तो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है कि इसका कलर ऑरेंज रेड के आसपास होता है। और फिर एक नई इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब हम डायोजिनम क्लोराइड की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से करते हैं, तो ये, ठीक है ना, ये बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो डायोजिनम रिंग है वो जाकर किसी भी बीटा पोजीशन से अटैच हो जाती है और हमें ये कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाती, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने। तो जब हम इन दोनों की कपलिंग रिएक्शन कराते हैं, ये प्रॉब्लम आज मुझे नेट से प्राप्त हुई है, नेट से मिली, ठीक है ना। तो आप देखेंगे रिएक्शन कैसे हुई। तो अब देखो बेसिक मीडियम है ना, तो अभी भी मैं आपको बताकर आया हूं कि बेसिक मीडियम में ये जो OH है ये फिनॉक्साइड आयन में बदल जाएगा और फिनॉक्साइड आयन बहुत ही स्ट्रांग डोनर होता है। तो अब बच्चों क्या होगा, ये जो कपलिंग रिएक्शन होगी वो OH के, क्योंकि पैरा पे तो पोजीशन फिक्स है लगी हुई है, तो OH के ऑर्थो पर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। अभी अभी मैंने नेट पर देखा तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी थी कि ये H इस N के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, जो मेरे हिसाब से एकदम रॉन्ग है। अब हम चलते हैं JEE एडवांस के लाइक क्वेश्चन। देखो हमारे साथ सामने बच्चों ये 5 कंपाउंड है, ठीक है ना। अब कौन डायोजिनियम क्लोराइड से सबसे पहले रिएक्ट करेगा, तो बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी को डोनर ग्रुप बढ़ाते हैं। तो बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग डोनर कौन सा होगा हम देखते हैं। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर ये होगा, इसलिए ये सबसे पहले डायोजिनियम क्लोराइड के साथ में कपलिंग रिएक्शन देगा। अब इसके बाद डोनर कौन स्ट्रॉन्गर है, NH2 तो सबसे जल्दी फिफ्थ देगा, और फिफ्थ के बाद कौन सा देगा, फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद कौन डोनर है, OH, तो थर्ड फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। अब बचे ये दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, नॉर्मली ये देंगे ही नहीं, फिर भी अगर हम पूछें तो इसमें से NO2 सबसे स्ट्रांगेस्ट ग्रुप है, इसलिए ये सबसे बाद में देगा और ये इससे पहले देगा। तो सबसे पहले बच्चों कौन देगा, ये, फिर इसके बाद कौन देगा, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन देगा, थर्ड, थर्ड के बाद कौन देगा, सेकंड, और सेकंड के बाद में ये थर्ड। ये JEE एडवांस और फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, यहां तो हमने देख ली बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, अब हम देखते हैं डायोजिनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो बच्चों आप जैसे देख सकते हो डायोजिनियम क्लोराइड पे यहां पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को, रिएक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा एसेप्टर ग्रुप। तो आप देख सकते हो इसमें NO2 भी एसेप्टर ग्रुप है और SO3 Na भी एसेप्टर ग्रुप है, लेकिन NO2 स्ट्रॉन्गर, NO2 कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसेप्टर ग्रुप है, इसलिए सबसे पहले ये कपलिंग रिएक्शन देगा बेंजीन डेरिवेटिव के बाद। इसके बाद कौन देगा,
इसके बाद ये देगा क्योंकि ये उससे थोड़ा कम स्ट्रांग अट्रैक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद कौन देगा? OH देगा क्योंकि OH कैसा होगा, डोनर तो है लेकिन NH2 के कंपैरेटिवली कम है। लेकिन बच्चों अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होगी तो फिर NH2 पहले देगा, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें बच्चों क्या सीखा, सबसे पहले NO2 देगा, क्यों देगा, इसमें स्ट्रांगेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद थर्ड वाला SO3 एन देगा क्योंकि इसमें सेकेंड नंबर का स्ट्रांगेस्ट डोनर ग्रुप है। फिर फर्स्ट देगा नॉर्मल कंडीशन में और फिर फोर्थ देगा। ये डायोजिनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। लेकिन अगर बच्चों फिर से समझा देता हूं, अगर बेसिक मीडियम हुआ तो बेसिक मीडियम में OH स्ट्रांगेस्ट डोनर बन जाता है तो फिर OH सबसे बाद में देगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें जिससे वो भी मेरे चैनल से जुड़ सके और नॉलेज गेन कर सके।